आज एक वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज यहाँ किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानकारी दें, क्या है ये वर्कशॉप का क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, स्वच्छ एवं सुंदर भारत को बनाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 लागू किया गया है, उसी को सबको बताने के लिए, जागरूकता के लिए हमारे माननीय अपर जनपद न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिर्जापुर की अध्यक्षता में आज यहाँ एक जन जागरूकता मीटिंग की जा रही है, बैठक की जा रही है। इसमें हमारे दो स्कूल के बच्चे, सभी हमारे सफाई नायक, हमारे अधिकारी कर्मचारी और यहाँ जनता जुटी हुई है। हम लोगों का उद्देश्य यह है कि जो भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया है कि स्वच्छ एवं सुंदर भारत को और मिर्जापुर को बनाया जाए, उसी उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ जन जागरूकता अभियान चलाया हूँ, जिससे कि जो हमारा मिर्जापुर है वह स्वच्छ एवं सुंदर बने, लोगों को जागरूक किया जाए। जो हमारा कूड़ा होता है, सूखा एवं गीला कूड़ा, सभी अपना सेग्रीगेट करके लोग घरों से दें और सुंदर बनाने के लिए हमारा सहयोग करें। इसमें जो भी कूड़ा होता है वो रोड पे न फेंकें, हमारे जो डस्टबिन है उसमें डालें, जब हमारी गाड़ियाँ जाती है उसमें ही दें। सफाई करने के बाद में हम सभी यहाँ के सम्मानित नागरिकों से, यहाँ के सम्मानित जनता से अपील करता हूँ कि जब भी हमारी गाड़ियाँ जाएँ उसी में कूड़ा डालें, अपने पास रखें, डबल डस्टबिन रखें, हरा और गीला, हरा डस्टबिन में गीला और सूखे में नीले में डालें डब्बे में, जिससे कि हम लोग आसानी से हमारा सेंटर ले जाकर उसका सेग्रीगेट कर सकें और कूड़े का निस्तारण कर सकें। ये जो अभी प्रोग्राम अवेयरनेस कैंपेनिंग आप लोगों ने किया है, क्या ये स्कूल और कॉलेज वगैरह में भी करेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे जितने भी स्कूल हैं सभी में एक हम लोगों ने कमेटी गठित कर दिया है, उसमें एक समिति गठित है हर स्कूल में, स्कूल में स्वच्छ वातावरण समिति अलग है और हर स्कूल में सारथी क्लब, हर स्कूल में एक सारथी क्लब है, उसके एक टीम बनी है, उसके अध्यक्ष और सदस्य बनाए गए हैं। सभी से यह अनुरोध किया गया है कि ऑलरेडी वहाँ पर हमारे अधिकारी कर्मचारी हम लोग जाते हैं और सभी प्रिंसिपल और टीचर साहब लोगों को ये बताया गया है, हर अपने प्रेयर में, प्रार्थना में सभी बच्चों को समझाएं कि स्वच्छता कैसे किया जा सकता है, अपने घर को कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है, गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके कैसे दिया जाना है, किचन वेस्ट हमारा कैसे किस हरे में देना है और सूखा वाला नीले में देना है। इस प्रकार का जागरूकता पूरे स्कूल में चल रहा है और हम लोग बराबर जाते हैं स्कूल को, बच्चों को समझाते हैं और प्रयास करते हैं कि जिससे कि स्वच्छ और सुंदर हमारा मिर्जापुर बन सके।